हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर स्ट्रीम। मैं चुका एक नया वीडियो लेके, और आज कस्टम क्लास स्क्वाड होने वाला है हीरोइक का वन स्टार वाले बंदे के बीच में और एक डायमंड थ्री वाले बंदे के बीच में। तो इन दोनों के बीच में चैलेंज लगा, एक फ्रेंडली चैलेंज है, ज़्यादा टफ चैलेंज नहीं है, रेपुटेशन का कोई मैटर नहीं है, यहाँ पे फ्रेंडली चैलेंज चल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को भी इस गेम का हिस्सा बना लूँ, ताकि आप लोग भी देख सके कि कौन बंदा अच्छा खेलता है। तो यहाँ पे जो वायरल विनोद है, ये बंदा है डायमंड थ्री का प्लेयर, और ये जो इसराफ है, ये बंदा है हीरोइक वन स्टार का प्लेयर। तो आइए देखते हैं कि आखिर कौन सा बंदा जीतता है। तो मैं दूसरी बार फिर से बोल दे रहा हूँ कि ये ना कोई चैलेंज है, ना कोई कंपटीशन है, ना कोई कंपटीशन बोल रहे, ना कोई टूर्नामेंट हो रहा है, बस ये नॉर्मल एक फ्रेंडली चैलेंज हुआ था। तो फ्रेंडली चैलेंज, फ्रेंडली गेम चल रहा है, फ्रेंडली कस्टम क्लास स्क्वाड है। तो देखिए, इंजॉय कीजिए। तो मेरा बात करते करते, सब कुछ बताते बताते एक राउंड ख़त्म भी हो गया, जिसमें इसराफ ने विनोद को मार दिया। तो हाई वाले इमोट दिखाते हुए विनोद सबको हाई बता रहा है। विनोद का हाई देख के लग रहा है कि ये बंदा अभी फ्री मूड में है, इसको पता है कि ये जीत जाएगा एक राउंड इसराफ के जीतने के बावजूद। इसराफ ट्राई मार रहा है अच्छे से गोली चलाने का। तो इस तरफ के पास है M10, ये बंदा M10 चला रहा है, M10 और AN-94 चला रहा है। तो ये बंदा तगड़ा गेम खेल सकता है। और वायरल विनोद के पास है थॉमसन, और ये थॉमसन से डैमेज दिया, और इस तरफ ने M10 का यूज़ करते हुए फिर से विनोद को मार दिया है। तो दो राउंड लगातार इस तरफ ने जीत लिया है। आप लोगों को अगर पता नहीं है कि इसराफ कौन है, तो आप लोग उसका आईडी चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका आईडी और विनोद का आईडी दे दूंगा। तो अगर इसराफ का और भी गेम प्ले देखना है, तो एक और कस्टम क्लास स्क्वाड का टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें इसराफ खेला था और अमन किंग खेला था, उन लोगों का गेम प्ले भी है, आप नीचे टूर्नामेंट नंबर 2 पे चेक कीजिए, आप लोगों को दिख जाएगा। तो फिलहाल के लिए विनोद ने ले लिया है M10। तो दोनों के पास M10 है, और दोनों के पास M10 इंक्यूबेटर वाला है, एक के पास वाइट वाला M10 है और इसके पास ग्रीन वाला M10 है। तो दोनों ही गन का स्किन फायदेमंद है, दोनों ही गन का स्किन अच्छा है। और यहाँ से गोली चलाते हुए M10 का यूज करते हुए विनोद ने इसराफ को मार दिया है, और अच्छा कमबैक किया है, तगड़ा कमबैक किया है विनोद ने। आज मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आज थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ था, इसलिए आज बोलने में थोड़ा तकलीफ़ है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोल रहे, वरना हम कुछ हद से ज़्यादा बोलते हैं। जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, उन लोग को अच्छे से पता होगा। तो विनोद ने ले लिया है AWM, जो इसराफ के पास था AWM, वो अब विनोद के पास आ चुका है। और मैं बता दूँ कि इसराफ और विनोद दोनों ही अच्छा AWM चलाते हैं, और ये AWM डबल डैमेज वाला है, तो 165 का डैमेज पड़ेगा सीधा अगर बॉडी पे पड़ जाता है तो इसीलिए बंदों को रुला सकता है। अभी फिलहाल के लिए इसराफ का एक पॉइंट से इसराफ आगे बढ़ रहा है, और विनोद कमबैक करने के ट्राई कर रहा है, लेकिन पता नहीं है अभी कमबैक कर पाएगा कि नहीं। ओम और M10 के बीच में स्विच करते हुए विनोद ट्राई कर रहा है कि कहीं से एक गोली अच्छे से अगर पड़ जाता है बॉडी में तो गेम बन जाएगा। और विनोद भी गोली मारा है, हल्का सा डैमेज पड़ा है इसराफ को, जिसका इसराफ कोई परवाह होगा नहीं, और इसराफ ने तगड़ा डैमेज देते हुए अगेंस्ट में, लेकिन विनोद ने डैमेज दे के आखिरकार इस राउंड को अपने नाम करके अच्छा कमबैक किया है, और पॉइंट को इक्वल बना दिया है। पॉइंट एकदम इक्वल है, पॉइंट दोनों ने दो दो का पॉइंट बना दिया है। मुझे लग रहा है कि गेम लास्ट तक चलेगा, लेकिन विनोद यहाँ पे अगर तगड़ा कमबैक कर सकता है तो लास्ट तक ये गेम चल नहीं पाएगा, थोड़े देर में ही गेम ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं इस राउंड में क्या होता है, क्या इसराफ कमबैक कर सकता है, या फिर विनोद एक पॉइंट से आगे बढ़ जाएगा, इसराफ के आगे बढ़ जाएगा, इसराफ को मात दे देगा।
तो यहाँ पे ग्लोबल मारते हुए इशराफ आगे बढ़ रहा है। अभी हाइट का एडवांटेज इशराफ के पास है और इशराफ हाइट का एडवांटेज लेने के लिए एकदम किनारे में ही बैठा हुआ है। वो निकलने का ट्राई नहीं कर रहा है, लेकिन पीछे से आते हुए विनोद ने हल्का सा डैमेज देने का ट्राई किया, लेकिन ग्लोबल मार के इशराफ बचा हुआ है। अभी तक गोली चला नहीं है और लगा है हल्का सा डैमेज पड़ा है, इशराफ ने डैमेज दे दिया और डाउन कर दिया है। तो इसके साथ एक पॉइंट से आगे बढ़ चुका है इशराफ। इशराफ ने अच्छा कमबैक किया है, दो राउंड लगातार हारने के बाद भी इशराफ अच्छे से कमबैक करके 3 पॉइंट बना के 1 पॉइंट से आगे बढ़ रहा है। तो 5 राउंड ख़त्म हो चुका है और पॉइंट हो चुका है 2 और 3, जिसमें 1 पॉइंट से आगे बढ़ रहा है इशराफ। देखते हैं ये 6th राउंड है और 6th राउंड में देखते हैं क्या होता है, क्या इशराफ एक और पॉइंट बना के 2 पॉइंट से आगे बढ़ सकता है या फिर से विनोद अपना कमबैक करेगा। फिर से ओम उठाते हुए 165 का डैमेज दे दिया है विनोद को 165 का डैमेज दे दिया है इशराफ ने। विनोद अभी हील कर रहा है, उसका मेडिकेट ख़त्म हो जाएगा, उसको दोबारा हील करने का मौका नहीं मिलेगा, जबकि इशराफ के पास दोबारा हील करने का मौका है। अगर यहाँ से डैमेज पड़ता है विनोद को तो विनोद हार सकता है इस राउंड को। इशराफ के पास दूसरा मौका है मेडिकेट मारने का, क्योंकि इशराफ को अभी तक कोई डैमेज नहीं पड़ा है विनोद के तरफ से, तो इसीलिए इशराफ के पास दो दो मेडिकेट रखा हुआ है। विनोद ने अपना 2 मेडिकेट यूज़ कर लिया है तो विनोद के पास चांस कम ही है। एक और ओम का गोली लगा है, लेकिन सही समय पर ग्लोबल मार के विनोद ने अपने आप को बचा लिया है और फिर से ओम रीलोड करते हुए, लेकिन विनोद सामने आते हुए और यहाँ पे गोली चला है, हल्का सा डैमेज पड़ा है जिसका इशराफ को कोई परवाह नहीं होगा। और यहाँ से ग्लोबल मार के खुद को बचाते हुए और विनोद आ रहा है वहाँ से पीछे की तरफ से, और पीछे की तरफ से 40 का डैमेज देते हुए, लेकिन विनोद को तगड़ा डैमेज पड़ा है, 39 का हेल्थ बचा हुआ है और ख़त्म कर दिया इशराफ ने। तो इसी के साथ 2 राउंड लगातार जीत के इशराफ ने 2 पॉइंट अपने नाम कर दिया है ज़्यादा। तो इसके साथ स्कोर हो चुका है 7th राउंड के बीच में, 6th राउंड ख़त्म होने के बाद ये 7th राउंड चल रहा है और अभी स्कोर हो चुका है 2 और 4, जिसमें 2 पॉइंट से आगे बढ़ रहा है इशराफ। तो क्या इशराफ हैट्रिक मार के इस राउंड को भी अपने नाम लेके जाएगा या फिर से स्टार्टिंग में जैसे हुआ था 2 पॉइंट करने के बाद विनोद ने कम बैक किया था वैसा फिर से विनोद कम बैक कर पाएगा और पॉइंट को इक्वल कर पाएगा, तो देखते क्या होता है। विनोद का वही सेम है, MP40 लेके वो घूम रहा है और इशराफ चला रहा है ओम और 2 गोली। तो ओम इशराफ बहुत अच्छा चलाता है और विनोद भी बहुत अच्छा चलाता है, लेकिन विनोद को अभी तक ओम लेने का मौका नहीं मिला है, वो MP40 के भरोसे अभी रह रहा है और इशराफ अभी ओम के भरोसे है कि 1 गोली अगर बॉडी में पड़ जाए तो 165 का डैमेज पड़ेगा। और मारने का ट्राई किया इशराफ ने और मार दिया 165 का डैमेज, लेकिन तगड़ा डैमेज पड़ा है, 5 का हेल्थ बाकी है और मार दिया एक अच्छा कमबैक, तगड़ा वाला कमबैक। मुझे लग रहा है कि पहला राउंड में जैसे स्टार्ट हुआ था, 3rd राउंड में विनोद ने अपने आप को बचाते हुए 2 राउंड लगातार जीत लिया था, वैसा ही मुझे लग रहा है कि इस बार भी वैसा ही होने वाला है, क्योंकि फिर से कमबैक कर लिया विनोद ने 1 राउंड जीत के। एक और राउंड अगर जीत जाता है तो दूसरा कमबैक हो जाएगा उसके लिए, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो विनोद ने एक्स्ट्रा मनी का यूज़ करते हुए 2 गोली का शॉटगन यूज़ कर लिया है, जिसमें और प्रोटेक्शन के लिए लेवल 3 का वेस्ट और लेवल 2 का हेलमेट ले लिया है। और यहाँ पे इशराफ का वही सेम स्ट्रेटजी है, 2 गोली वाला शॉटगन और ओम। तो प्रोटेक्शन दोनों का इक्वल है, प्रोटेक्शन को कोई दिक्कत नहीं है। विनोद तेज़ी से आगे बढ़ते हुए, क्योंकि उसको पता है कि वो पीछे रह गया तो ओम से उसको गोली पड़ सकता है। इशराफ पीछे की तरफ से जाते हुए विनोद को पीछे से कवर मारने की कोशिश में, लेकिन विनोद आगे की तरफ है तो उसको दिख ही जाएगा इशराफ का, और दोनों को दिख चुका है। दोनों ने ग्लोबल मार के एक दूसरे को बचा लिया है और इशराफ पीछे से फिर से जा रहा है और 2 गोली शॉटगन से डैमेज दिया है। और यहाँ पे विनोद ने भी अच्छा सा डैमेज दिया है, लेकिन उतना तेज़ी का दर्दनाक डैमेज नहीं है, जबकि विनोद का डैमेज बहुत ही दर्दनाक है, विनोद को बहुत ही तगड़ा डैमेज पड़ा है। और विनोद ने ग्लू वॉल मार के खुद को बचा लिया है और यहाँ पे ओम मार के ग्लू वॉल फोड़ने की कोशिश। विनोद का हील हो चुका है, विनोद इंतज़ार कर रहा है अब MP40 लेके कि कहाँ से मारेंगे। सीढ़ी पे वो घात लगाया बैठा है कि एक बार मौका मिल जाए तो वो मारेगा, और विनोद आगे चल रहा है, गोली लगाया लेकिन एक भी डैमेज नहीं पड़ा है। और पीछे से ग्लू वॉल मार के इशराफ ने खुद को बचा लिया है, 2 गोली शॉट करके शॉट मारने की कोशिश।
लेकिन हेडशॉट नहीं लगा, बॉडी शॉट मार दिया है और ग्लू वॉल नहीं मारा है। और यहाँ पे ग्लू वॉल मार के अपने आप को बचा लिया है फिर से, खुद को हील करते हुए। एक ही मेडिकेट अब पड़ा हुआ होगा और विनोद ने स्मोक ग्रेनेड फेंका और ओम के एक वार से बंदा खत्म। तो इस बार विनोद ने कमबैक करने का ट्राई किया लेकिन वो बेचारा कमबैक नहीं कर पाया और इसी के साथ 8 राउंड खत्म हो चुका है और ये 9th राउंड चल रहा है और अभी पॉइंट हो चुका है 3 और 5 जिसमें 2 पॉइंट से आगे बढ़ रहा है इसराफ। तो यहाँ से अगर 2 राउंड लगातार इसराफ जीत जाता है तो वो इस मैच को जीत जाएगा और अगर अच्छे से विनोद ने कमबैक नहीं किया तो ये पूरा का पूरा गेम इसराफ के नाम चला जाएगा। तो आप लोगों जो लोग मेरा रोस्टिंग वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि मेरा कंप्यूटर ख़राब हो चुका है इसीलिए मैं रोस्टिंग वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। मेरा रिकॉर्डिंग करके रखा हुआ है लेकिन एडिटिंग नहीं कर पा रहे। जितना जल्द मेरा कंप्यूटर ठीक होगा उतना जल्दी मैं रोस्टिंग वीडियो अपलोड करूँगा क्योंकि कंटेंट मेरे पास तैयार है, बस एडिटिंग करने का देरी है। एडिटिंग करते ही मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, जब तक कंप्यूटर ठीक नहीं होता है तब तक यही क्लैश स्क्वाड फ्री फायर का क्लैश स्क्वाड मैचेस और ऐसे ही चैलेंजेस का वीडियो मैं बनाता रहूँगा, आप लोगों का इंटरटेनमेंट करता रहूँगा। और जो लोग इस चैनल में नए हैं उन लोगों को मैं बता दूँ कि मैं रोस्टिंग वीडियो करता हूँ फ्री फायर पे या फिर बाकी सब गेमिंग वीडियोस पे। अभी फ़िलहाल के लिए फ्री फायर पे वीडियो कर रहा हूँ रोस्टिंग, और बाकी सब गेमिंग्स का अगर आप लोगों को चाहिए रोस्टिंग करने के लिए तो मुझे कंटेंट बताएं, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा उन सब का रोस्ट करूँगा। तो तब तक के लिए मेरा ये क्लैश स्क्वाड वाला गेम ही चलेगा, क्लैश स्क्वाड कस्टम क्लैश स्क्वाड चलेगा, चैलेंजेस करते रहेंगे और टूर्नामेंट्स कराते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए बात करते करते दोनों ने एक दूसरे को हल्का फुल्का डैमेज दिया जिसमें विनोद का एक मेडिकेट यूज़ हो चुका है। तो सेम टू सेम वही सेम थ्योरी, लेकिन विनोद ने अपना थ्योरी थोड़ा सा चेंज किया, थॉमसन ले लिया क्योंकि थॉमसन से ड्रैग मारने पे अच्छा हेड लगता है। तो वही ट्राई मारेगा विनोद कि ड्रैग मार के एक हेड लिया जाए, लेकिन इसराफ का वही सेम स्ट्रैटेजी है, ओम और 2 गोली। तो गोली मार के विनोद को मारने की कोशिश में इसराफ ने पीछे गया लेकिन इसराफ मार नहीं पाया, लेकिन इस बार डैमेज अच्छा दिया है, बहुत अच्छा डैमेज पड़ा है और इसराफ ने एक और राउंड अपने नाम कर लिया है और पॉइंट हो चुका है अब 3 और 6 का। गेम बहुत ही इंटेंस चल रहा है, 9 राउंड खत्म हो चुके हैं और ये 10th राउंड है और 10th राउंड में आने के बाद अभी दोनों का स्कोर चल रहा है 3 और 6 जिसमें 3 पॉइंट से आगे बढ़ रहा है इसराफ। तो इस मैच को अगर इसराफ इस राउंड को अगर इसराफ जीत जाता है तो पूरा का पूरा गेम उसके नाम हो जाएगा, पूरा का पूरा मैच वो जीत जाएगा। लेकिन अगर कमबैक कर सकता है विनोद यहाँ से तो विनोद को अच्छा मौका मिलेगा क्योंकि विनोद भी अच्छा खेलता है, वो कमबैक कर नहीं पा रहा है। अगर वो कमबैक कर सकता है तो ये बहुत ही इंटेंस गेम हो जाएगा, लेकिन यहाँ से कमबैक करना विनोद के लिए बहुत ही मुश्किल है क्योंकि पॉइंट बहुत ही हाई है और विनोद को अभी लगातार 4 गेम जीतना पड़ेगा तब जाके वो इस मैच को अपने नाम कर सकता है। इसराफ यहाँ से आगे बढ़ रहा है, एकदम फ्री मूड में आगे बढ़ रहा है क्योंकि उसको पता है कि ये वाला राउंड अगर वो जीत जाता है तो पूरा का पूरा गेम उसके नाम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फ्री मूड इसराफ का है लेकिन विनोद का फ्री मूड नहीं होगा क्योंकि विनोद को अभी भी लगातार 4 राउंड जीतने हैं। यहाँ पे दोनों ही गेमिंग अच्छे कर रहे हैं और डैमेज बहुत ही डेंजरस डैमेज पड़ा है, बहुत ही तगड़ा डैमेज पड़ा है और विनोद पूरा ग्लू वॉल खोलने की कोशिश में है, पूरा ग्लू वॉल ट्राई कर रहा है और पीछे से इसराफ निकल चुका है और हल्का सा डैमेज दिया है जिसका विनोद को कोई परवाह नहीं होगा। यहाँ से पीछे से गोली चलाते हुए डैमेज देने की कोशिश में लेकिन डैमेज पड़ा नहीं है। इसराफ यहाँ से पीछे की तरफ से खाली घूमे जा रहे हैं ताकि पीछे से एक वार लग जाए विनोद को, लेकिन लग नहीं रहा है और यहाँ से गोली चलाया, दोनों ने हल्का सा डैमेज पड़ा है, 14 का डैमेज पड़ा है और यहाँ से गोली चलाया, अच्छा डैमेज, हल्का सा डैमेज बाकी है, बस हल्का सा हेल्थ बाकी और हेड शॉट मार के इसराफ ने इस गेम को अपने नाम कर लिया। तो ये गेम कोई टूर्नामेंट नहीं था, कोई तगड़ा वाला रेपुटेशन वाला चैलेंज नहीं था, ये बस एक फ्रेंडली गेम था। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी इस गेम में ऐड कर लूँ। तो ख़त्म हो गया गेम और इसराफ जीत चुका है इस मैच को। तो मैं नया वीडियो लेके आऊँगा, ये वाला गेम बहुत इंटेंस था, मुझे लगता है कि आज ही एक और गेम होने वाला है। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में,
तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।